नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है पीयूष। आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यह हमारा नया स्टूडियो है, ठीक है। हम इंदौर पर शिफ्ट हो चुके हैं हमारे सिलावस से, तो बस इस चीज़ का मैं सबसे पहले आपको बता दूं। अब हम बात करने वाले आज इस वीडियो में कि किस तरीके से आप ऑनलाइन लोन ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन लोन ले या नहीं ले। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के स्टूडियो में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप लोन ले रहे हो ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद आपकी लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और एकदम अस्त व्यस्त आप सुसाइड तक कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस इस तरीके के हो चुके हैं और मेरे फ्रेंड साथ भी एक ऐसा केस हो चुका है जिसको कि मैं लाइव आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस होगी। अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी लोन लेने का सोच भी रहे हो ना, इस वीडियो को देख लो, उसके बाद और ज़्यादा अच्छा तरीके से आप सोच पाओगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आ गया हूँ ताकि आपका भला हो सके। तो वीडियो को बिल्कुल से इसी बात पे लाइक कर देना और अच्छी से कमेंट जरूर से कर देना। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, ना ही सिर्फ नावी एप्लीकेशन के, धनी एप्लीकेशन के, क्रेडिट भी एप्लीकेशन के, बल्कि जितने भी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको लोन देते हैं, उन सारे लोन एप्लीकेशन की एक ही तरीके की चीज़ होती है, एक ही तरीके का एल्गोरिदम होता है। तो उन सारी चीज़ों को एक इकट्ठा करके मैं एक नाम लेना चाहता हूँ किसी भी एप्लीकेशन का, लाइक नावी एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ। देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी एप्लीकेशन के बारे में ना हेट फैलाना चाहता हूँ, ना उनके तरीके अगेंस्ट जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूँ नावी एप्लीकेशन लाइक, ठीक है। नावी एप्लीकेशन को जैसे आप डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड करने से बाद में आपको कुछ चीज़ें फॉलो करना पड़ती है, लाइक आपको सारी चीज़ें उनकी अलाउ करना पड़ती है, उनके आर्टिकल वगैरह को अलाउ करना पड़ता है, ठीक है। अब वो क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन चीज़ों को एक एक करके पॉइंट में डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हैं। एक पॉइंट ऐसा है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन लोन लेकर बर्बाद हो सकते हो, ठीक है, और बर्बाद ही होने वाले हो। क्या बर्बाद ही होने वाले हो, ये पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन लोन लेते हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप ऑनलाइन लोन लेते हो, और अगर आप ऑनलाइन लोन लेते हो तो सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपसे अलाउ करेगा आपकी फ़ोटोज़ एंड मीडियाज़ को। अब आपने अलाउ कर दिया आपकी फ़ोटोज़ मीडियाज़ एंड फाइल्स को, अब होगा क्या, आपकी सारी की सारी फ़ोटोज़ एंड मीडियाज़ एंड फाइल्स उस एप्लीकेशन के पास मौजूद है। अब अगर आप टाइम टू टाइम पे नहीं करते हो उनका अमाउंट, तो आपको वो जलील कर सकते हैं, आपके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर है, क्योंकि आपने अलाउ किया था। अब आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, वो आपकी गलती है, उनकी नहीं, ठीक है। लाइक आपको कोई पेपर वगैरह देते हैं, कोई ज़मीन के पेपर कोई भी, तो आप देखते हो ना, साइन कर देते गलती से, भाई इस तरीके का चीज़ें इसमें भी होती है, ठीक है। अगर आपने साइन कर दी एक बार, तो भाई लफड़े में पड़ जाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी अगर आपने अलाउ कर दिया, तो आपके सारे फोटोज़ एंड मीडियाज़ उनके पास चले गए, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो भाई वो करेंगे। आज मैं रहूँगा ना, तो मैं भी करूँगा, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अपन ऐसा काम नहीं करते, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर किसी का पैसा खा जाओगे ना, तो वो ऐसे ही करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, आपको अलाउ करना पड़ता है आपकी लोकेशन, आपकी परफेक्ट लोकेशन। अब आप सोचो कि हम कोई सी भी लोकेशन ऐड कर देंगे, ठीक है, लोकल लोकेशन ऐड कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। अगर आपने कोई सी भी लोकेशन ऐड करी हुई है ना, तो भी वो आपका आधार कार्ड ही लेते हैं। लेकिन आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऑनलाइन 5 लाख तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड से और पैन कार्ड से आसानी से ले सकते हो। अब आपके आधार कार्ड में जो आपकी परफेक्ट लोकेशन रहेगी ना, उसी परफेक्ट लोकेशन में आपके मकान सहित आपको आपके मकान के पास में आपके घर में घुस जाएंगे बिना बताए। आप कौन घुसेंगे, नावी एप्लीकेशन के जो है काम कर्मचारी घुस जाएंगे और आपके साथ इतनी जलील हरकतें करेंगे, आपके सामान निकाल करके ले जाएंगे घर, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब आप उनके सामने कितना भी गिड़गिड़ा, आपकी माँ बहन जितने भी बाप जितने भी बूढ़े बुजुर्ग सब गिड़गिड़ा उनके सामने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि उनको पैसा इसलिए मिल रहा है ताकि वो इकट्ठे बने रहे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप पैसा नहीं दे पाते हो ना, तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, आपको अलाउ करना पड़ता है अपने ऑल कॉन्टैक्ट्स को, समझ गए होंगे, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स इनके पास रहते हैं। अब अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको इसे बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं पे कर पाओगे, क्यों नहीं पे कर पाओगे वो भी बताऊँगा। तो अगर आप नहीं पे कर पाते हो, तो आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स इनके पास तो है ही, वो नंबर पे कॉल करते हैं, लाइक किन को इनको कॉल करेंगे, वो फूफा, जीजा, मौसा, ताऊ, ताऊ तो नहीं करेंगे, जिनको भी करना है, लाइक आपके दूर के रिश्तेदारों को करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बदनामी हो, ठीक है। और बदनामी के चलते आप कहीं से पैसा अरेंजमेंट करो,
उनका सिर्फ यही मोटिव रहता है। तो अगर आप पैसा नहीं डालोगे ना तो भाई लफड़े में पड़ जाओगे, क्योंकि अब आपको क्या करना है, आपका जो पैसा है वो आप नहीं दे पाओगे, तो वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करेंगे एक एक करके भाई ये मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो ये राहुल हमको पैसा नहीं दे रहा, हमारा पैसा लेके भाग चुका है, कंपनी का पैसा लेके भाग चुका है, इतना भाग चुका है, अब आपका पूरा समाज आपकी पूरी थू थू हो चुकी है, और अब आपके मन में थॉट्स आएंगे सुसाइड के। उसके अलावा आपके मन में कोई भी थॉट्स आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि मेरा खुद का फ्रेंड है वो सुसाइड करना चाहता था। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि यार लोन पे नहीं कर पाएंगे, अगर हम लोन पे कर सकते हैं तो भाई कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, इस एप्लीकेशन को अब मेन पॉइंट है, इस एप्लीकेशन में अगर आप लोन लेते हो, इन सारी किसी भी लोन एप्लीकेशन पर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ है वो बता रहा हूँ, लोन लेते हो तो आपका एक टाइम पर 35% तक का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और फिर 40% का भी बढ़ जाएगा, और फिर उनकी मर्जी रहेगी उतना इंटरेस्ट वो बढ़ा के आपको देंगे। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं, आप चाहे जो कर लो, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना चीज़ ध्यान में रखना है कि वो आपको जलील कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास भाई इतना इंटरेस्ट कोई नहीं दे पाएगा, इतना इंटरेस्ट है 30-35-40% कौन इंटरेस्ट देगा भाई, दे पाओगे नहीं दे पाओगे, फंस जाओगे। आप नहीं, काफ़ी सारे लोग फंसे, मेरा फ्रेंड ही फंसा हुआ है, ठीक है, उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, आप पैसा नहीं दे पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आप दे सकते हो फिर भी 30-40% या फिर 35-15% भी दे सकते हो, कितना भी जितना परसेंट वो लगे, क्योंकि किसी का कोई उसका कोई भरोसा नहीं है, तो आप अगर पैसा पे कर सको, इंटरेस्ट पे कर सको, तो बिल्कुल आप लोन ले सकते हो। बढ़िया एप्लीकेशन है भाई, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप कर रहे हो तो भाई एप्लीकेशन तो अच्छी है ना, पैसा तो दे रही है, आपका काम तो निकाल रही है, लेकिन बाद के जो पिक्चर है वो आपको समझना पड़ेगी ब्रो, ठीक है बॉस, आपको समझना पड़ेगी। अब नेक्स्ट जो है बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सोचोगे भाई इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन चलो आप नहीं लेते हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे लोन नहीं लोगे, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे लोन नहीं लेते हो तो आप ऑफलाइन तरफ भागोगे, तो भाई ऑफलाइन भी किसी प्राइवेट किसी से मत लेना भाई, फंस जाओगे, ठीक है, सच बता रहा हूँ भाई, फंस जाओगे, मजाक से हट के, ठीक है, फंस जाओगे। अब फिर क्या करें, आपको सिर्फ बैंक से लोन लेना है, ठीक है, आपको सिर्फ बैंक से ही लोन लेना है, 1% से कम में, 2% में आपको आराम से लोन मिल जाएगा, ना लोन बढ़ता है ना घटता है, इंटरेस्ट उतना उतना चलेगा, आराम से चलेगा, बस थोड़ा भागा दौड़ी करना पड़ेगा, थोड़ी जांच पड़ताल करो, थोड़ी सिस्टम भिड़ाओ, इधर उधर बंदों से बात करो, नेटवर्क इधर उधर इस्तेमाल करो और लोन ले लो किसी भी तरीके से, ठीक है। बस यही एक तरीका है लोन लेने का, इसके अलावा आप कहीं से भी लोन लोगे तो फंस ही जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक बिल्कुल से कर दीजिए और चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग है डिजिटल नेटवर्क से लेकर, डिजिटल बातों को लेकर, डिजिटल न्यूज़ से लेकर सारी वीडियोस हमारी इस वीडियो पर आती रहती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे।